हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट मिड साइज एसयूवीज के बारे में। मेरे घर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है दोस्तों, तो अगर थोड़ी सी नॉइस आए, वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि सेटिंग मैंने माइक की बिठा ली है बिल्कुल, तो प्लीज मैनेज कर लेना। कुछ लोग थोड़े से खफा हो गए थे कि भाई मिड साइज एसयूवीज पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, लाइक क्रेटा, ग्रैंड विटारा, कर्व, बसाल्ट, एलिवेट एक्सेट्रा। तो आज सारी कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। भाई फेस्टिव सीजन है, दिवाली का टाइम है, उसके बाद न्यू ईयर के आसपास का टाइम है, तो कौन सी कार आपको इस बार अपने घर लेके जानी चाहिए, क्या फायदे क्या नुकसान है, क्या ऑफर्स मिल सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो कार्स की जिनकी BNCAP भारत NCAP से क्रैश टेस्ट की जो सेफ्टी रेटिंग्स होती है वो आ गई है, जिसपे फर्स्ट पे है नन अदर देन टाटा कर्व। और भाई टाटा कर्व ने जो है 5 स्टार की जो रेटिंग है वो BNCAP से अचीव कर ली है। उससे कम लाते तो भी हम भारत NCAP पे क्वेश्चन उठा सकते थे, क्योंकि भाई रतन सर, रिस्पेक्टेड रतन सर, जो उन्होंने ड्रीम सोचा था भाई टाटा की कार्स के बारे में, वो ग्लोबल NCAP में भी 5 स्टार रेटिंग ही लेकर आ रहा था। तो मुझे ज्यादा कुछ हैरानी नहीं हुई कि भारत NCAP में कर्व ने 5 स्टार स्कोर करा है, ये एक्सपेक्टेड ही था। तो भाई सबसे पहले तो टाटा लवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई एक बार और टाटा ने करके दिखाया है 5 स्टार, भारत NCAP में भी भाई वो लेकर आ गए। दोस्तों नेक्स्ट है सिट्रन बसाल्ट, जिसपे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आ गई है भारत NCAP से। तो अगर कोई सिट्रन बसाल्ट का फैन है तो भाई आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर हम बात करें इन दोनों कार्स की और वर्सेस अदर कार्स, तो फिलहाल अब बसाल्ट जो है ना बहुत तगड़ी बाजी मार गई है। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो सबसे सस्ती बसाल्ट है, और कूप एसयूवी की अगर हम बात करें सबसे सस्ती बसाल्ट है। अगर हम बात करें 4300 mm कार्स के सेगमेंट में तो भी सस्ती बसाल्ट है। सो यहाँ पर नो डाउट बसाल्ट एक टफेस्ट कॉम्पिटिशन बनकर आ रही है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार बसाल्ट को क्यों ना ले, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आ गई है, 6 एयरबैग्स भी हैं और इंजन में टर्बो के ऑप्शंस भी हैं। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसमें 1.5 NA इंजन नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि 4300 mm कार की एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि देखो कुछ लोग जिनको बिल्कुल नहीं भगानी, सिटी सिटी में ट्रैवल करना हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, तो आप जरूर सिट्रन बसाल्ट की तरफ जा सकते हो। अब तो भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आ गई है। सो बेसिकली देखो, अगर आप बसाल्ट लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं एक बार उस पर बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस तो हमने बता दिए कि कार जो है काफी अच्छा स्पेस लेकर आती है, कार की जो सेफ्टी है वो भी आपको 4 स्टार मिल गई। कार की जो रोड अपीयरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस है, लुक्स है, बहुत मास्टर स्ट्रोक मुझे लगती है। अगर यहाँ पे कोई रेटिंग होती तो मैं डेफिनेटली 5 में से 5 सिट्रन को इन चीजों पे दे देता, क्योंकि इंटीरियर, रोड प्रेजेंस और लुक्स अमेजिंग। कार के अगर हम इनफैक्ट बूट स्पेस की बात भी करें, वहां पर भी कोई खासा प्रॉब्लम नहीं है, कार का व्हील बेस काफी अच्छा है। तो डिसएडवांटेज कहाँ पर है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कि जो सिट्रन का सर्विस नेटवर्क है वो काफी बड़ा नहीं है, पर अगर आप फिर भी मैनेज करना चाहो, क्योंकि कुछ इलाकों से हो सकता है कि आपका जो सर्विस सेंटर है 50-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप उसको मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप हिल्स पे ड्राइव करते हो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ब्रांड नेटवर्क काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट खत्म ही मान लो वहाँ पर नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लमैटिक एरिया जो है कार की रीसेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिट्रन की कोई देखो गलती भी नहीं है। अभी नई कंपनी ही आई है, हालांकि देखो नई तो किया भी आई थी, पर फिर भी किया ने जो है अपनी ब्रांड वैल्यू एक एस्टैब्लिश कर ली है। किया की कार्स की जो है रीसेल मार्केट जो है मतलब टॉप नॉच तो नहीं गई है, बट दे आर वर्थ बाइंग। दोस्तों मेरे घर के आसपास ना सारी बड़ी मार्केट है दिल्ली की, करोल बाग ले लो आप, विकासपुरी ले लो, या फिर आपकी अशोक विहार की, सो आई मीन मेरे पास सारी खबरें आती रहती हैं। तो किया की कार्स का अच्छा चल रहा है, अभी तक सिट्रन की कार्स का ना कोई इतना वैसा इम्पैक्टफुल तरीके से काम नहीं हो रहा है। बेचने जाओगे काफी कम रेट में मिलेगी, खरीदने जाओगे तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, ये वाला सीन फिलहाल अभी सिट्रन का है। और लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कि एक जो ट्रैक लाइन होती है, एक जो रिकॉर्ड होता है कार का, वो फिलहाल अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्रस्ट करके लेना होगा। शायद इन्हीं बातों की वजह से सिट्रन ने अपनी कार्स के प्राइसेस को कम करा, क्योंकि यार देखो लोग खरीदेंगे नहीं तो ट्रैक लाइन भी नहीं बनेगी। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बोला कि भाई कोई ट्रैक नहीं है तो ट्रैक बनाएगा कौन, पर क्वेश्चन भी तो यही था कि रिस्क लेगा कौन, कि भाई कौन लगाएगा ये पैसे। अगर ये लोग 12-13 की रखते तो कोई कद्दू नहीं लगाता, किसी को क्या पड़ रही है भाई, लोग जाके क्रेटा ले लेते, विटारा ले लेते। इसीलिए समझ रहे हो आप, इसीलिए सिट्रन ने जो है अच्छा स्टेप लिया। आई अप्रिशिएट इट, वी ऑल्सो वॉन्ट यार कि इंडिया में कॉम्पिटिशन जो है मेंटेन रहे। तो ये तो थी भाई देखो सिट्रन बसाल्ट के बारे में बातचीत। आप समझ रहे होंगे कि किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, प्राइस कम रखा गया है कार का, उसके अकॉर्डिंगली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए। कुछ चीजें रह गई हो तो कमेंट करके डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं भाई टाटा कर्व की। अब देखो सेफ्टी के मामले में ना मैं कहीं काउंट नहीं करूंगा इसके आगे कोई भी कार को, टाटा कर्व भाई 5 स्टार ले आई है,
और नहीं भी लाती ना, मैं तब भी यही स्टेटमेंट देता, मैं इसी को सेफेस्ट कार कंसिडर करता, और ये अब बन भी चुकी है, करता क्या। तो अगर आपकी प्रायोरिटी खाली भाई बेस्ट सेफेस्ट कार है तो आप कर्व की तरफ जाओ। दूसरा, यहां पर देखो आपको ना काफी इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप जीडीआई ले लेते हो ना तो आई मीन बिल्कुल गेम ओवर वाला सीन है भाई। टाटा कर्व लो और जीडीआई लो, तबाही कार, बिल्कुल कॉम्बिनेशन अल्टीमेट। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई बंदा जो नेक्सॉन लेने के लिए जा रहा है वो ये सोचता है कि यार जब इंजन तो 1.2 नेक्सॉन वाला ही कर्व में भी आ रहा है तो मैं कर्व क्यों ना ले लूं। और आपको जान के हैरानी होगी, स्क्रीन पे आपको डेटा नजर आ रहा होगा, टाटा नेक्सॉन की पिछले 2 महीने से सेल्स डाउन हो रही है और वहीं पे कर्व की बढ़ रही है। मुझे बिल्कुल ये फीलिंग आ रही है कि जो नेक्सॉन के कस्टमर है ना वही कन्वर्ट होके कर्व में जा रहे हैं सबसे पहले। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो क्रेटा लेने निकले हो, विटारा, एलिवेट, वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं कुछ आग वगैरह वाले। बट सबसे ज्यादा जो मोटा नंबर मुझे लग रहा है, नेक्सॉन वाले ही कन्वर्ट हो रहे हैं सीधा कर्व में। अब मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी गलती जो टाटा से हो गई है ना, कि यार देखो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर टाटा पंच के अंदर 1.2 का टर्बो इंजन आ जाए, आपको पता है नेक्सॉन की सेल आधी गिर जाएगी। वही चीज तो यहां पर हो गई, अब वही इंजन जो है कर्व में लगा दिया तो सेल कैसे खींचेगी यार। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है नेक्सॉन की सेल डाउन हुई है। पर देखो जिसे खरीदनी है भाई उसको तो फायदा है। अगर आपको कर्व खरीदनी है और आपको नेक्सॉन वाले इंजन से कोई इश्यूज नहीं है, यू आर हैप्पी विद 1.2 रेवोट्रॉन टर्बो, तो भाई बिल्कुल आग बंद करके ले लो, सेफेस्ट कार है, कार का स्पेस अच्छा है। थोड़े से कुछ लोगों के मेरे चैनल पे भी वीडियो है, मैं गया था, मैंने चेक करी थी, कर्व वीडियोस मिल जाएंगी, सारी मिल जाएंगी, जिन कार की मैं बात कर रहा हूँ बसाल्ट की भी मिल जाएगी। तो जब मैं बैठा था मुझे स्लाइटली, जैसे मेरी हाइट 5'8" है तो मुझे फील हुआ था कि जो स्लोप है, क्योंकि वो कूप कार है तो टच हो रहा था सर वहां पे। तो देख लेना आपको उस चीज से कोई इशू है या नहीं है। अदरवाइज जो टाटा कर्व की रोड प्रेजेंस है, जैसे मैंने सैटर्न की बात की थी, बसाल्ट की रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी है, बट डेफिनेटली भाई कर्व की रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी है। दिखने में लगती है कि भाई कोई नई चीज मार्केट में उतर के जा रही है। डेफिनेटली एड अ लॉट ऑफ प्रीमियमनेस, इंटीरियर्स काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पे ना कर्व के पास एक एडवांटेज है बसाल्ट के ऊपर, वो एडवांटेज है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको कूपे लेनी थी तो आपके पास सैटर्न के अलावा एक ब्रांड ऑप्शन भी है, और टाटा जो है एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। आपके पास इनफैक्ट टाटा की जो है ट्रैक हिस्ट्री भी है, एक 1.2 लीटर का जो इंजन टर्बो वाला है, प्रूवन इंजन है। आई मीन यू कैन लुक एट नेक्सॉन, वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी हो, कार की ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग्स हो, या फिर इंजन की परफॉर्मेंस हो, माइलेज हो, आप नेक्सॉन को बिलीव करके आग बंद करके कर्व पे जंप कर सकते, आपका ज्यादा रिस्क नहीं है। इनफैक्ट अगर हम रीसेल की बात भी करें तो सिट्रन से फार बेटर है, टॉप नोच नहीं है, डेफिनेटली बहुत अच्छी रीसेल आपको इन फ्यूचर कर्व से भी मिल सकती है। So, ये तो थी भाई कूप एसयूवीज। अब बात करते हैं बाकी कार्स के बारे में जिसमें अपनी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, कुशाक और हाई राइडर। अब देखो यहाँ पर जो मेन प्लेयर है ना, अगर हम इन कार्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे मेन जो प्लेयर है वो है क्रेटा, ग्रैंड विटारा। अब देखो हाई राइडर और सेल्टोस है ना, वो आप क्रेटा और विटारा ही मान लो, क्योंकि आपको पता ही है कि विटारा से ही निकली है हाई राइडर, और ऑलमोस्ट सेम चीज क्रेटा के साथ है, वही सेल्टोस वाला सीन है। अब यहाँ पर जो कुशाक और टाइगुन है ना, वो बिल्कुल जर्मन घराने से है। अब मेरे कुछ भाई ना मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि स्कोडा जो है